अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टीचर्स की जॉब्स के बारे में। बहुत सी जगह पे बहुत सी न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट हो रही हैं सोशल मीडिया पे कि जॉब जो है वो कब आ रही हैं या कौन कौन सी जॉब आ रही हैं टीचर की और क्या रिक्वायरमेंट होगी और किस तरह से टेस्ट वगैरह होगा। जो राणा सिकंदर हयात है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, उनकी जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है और फेसबुक पेज है, वहाँ पे ये ऑफिशियली अपडेट थी, देयर विल ओनली बी मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट। जो रिक्रूटमेंट होगी वो मेरिट बेस्ड होगी और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो इसमें जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो होगी। उसके अलावा NTS टेस्ट, जैसे पहले NTS टेस्ट होता रहा है वैसे ही NTS टेस्ट होगा और इंटरव्यूज़ भी होंगे इसके बाद, टेस्ट के बाद। जो पहले NTS का क्राइटेरिया जो पहले तक रहा 18 में, जो लास्ट टाइम पोस्ट आई हुई थी उसमें पहले NTS टेस्ट होता था 100 नंबर का, उसमें आपने 50% मार्क्स लेने होते थे। उसके बाद आपका एग्रीगेट बनता था आपके जो इंटरमीडिएट मैट्रिक और इंटरमीडिएट और आपके मास्टर तक क्वालिफिकेशन के मार्क्स से या बीएड के, वो ऐड हो गए फिर आपका एग्रीगेट बनता था। तो उसके बाद आपका इंटरव्यू जो है वो पाँच नंबर का इंटरव्यू होता था। तो इस तरह इसी बेस पे इसकी जो है वो रिक्रूटमेंट होती थी, फिर आपका जो मेरिट बनता था उसी के अकॉर्डिंग आपको रिक्रूट किया जाता था। इसके अलावा स्ट्रिक्ट मेरिट एंड क्राइटेरिया विल बी फॉलोड बट वी विल ओनली हायर आफ्टर कंसल्टेशन सेशन विद द टीचर कम्युनिटी। टीचर कम्युनिटी के साथ इनकी जो है वो डिस्कशन चल रही है इसके ऊपर कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और क्या कुछ जो टीचर्स की हैं वो राय क्या है, जो सीनियर टीचर है या कम्युनिटी है उनके साथ मुशावरत चल रही है। वो फाइनल होने के बाद जैसे ही डिसीजन होता है उसके बाद जो है वो NTS के थ्रू जो ऑफिशियली अपडेट है उसके मुताबिक NTS के थ्रू ऐड आएगा और जैसे पहले रिक्रूटमेंट होती थी उसी तरह होगा। माइट भी बाद में कोई पॉलिसी में थोड़ा बहुत चेंज हो, लेकिन अब तक की जो अपडेट है वो यही है। नीचे उन्होंने ये भी लिखा, सो प्लीज़ अवॉइड फेक न्यूज़ से जो अवॉइड करेंगे। आपको कह देता है इसके थ्रू होगी, यहाँ बहुत सी जगह पे स्कूल काउंसिल का भी कहा गया, लेकिन अब तक जो अपडेट है वो NTS की है और इसके अलावा अभी तक कोई अपडेट नहीं। सो बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज़।